मित्रों, दो चीज़ों के लिए मैं जिक्र कर रहा था, एक नेशनल ललित कला एकेडमी का वार्षिक प्रदर्शन और 171 स्टॉल का देश भर से आए हुए कलाकारों का और अपने हुनर, अपनी कलाकृति, अपने माध्यम द्वारा जो आर्ट एग्जाम्पल है, जो कले का डिस्प्ले है, हमारे सामने जो कला मेला है और कला मेला में जो सभी उपस्थित कला मेला स्टॉल के धारक, इस शहर के अलग अलग मीडिया के प्रतिनिधि और कला प्रेमी और हमारे ललित कला का स्टाफ, इस अवसर पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज जिन 15 लोगों ने ललित कला अकादमी के पुरस्कार विजेता के रूप में अपना पात्र से ग्रहण किया है, उनको बधाई भी देता हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में जो लोग आते हैं वो कला के प्रति अपनी रुचि रखने वाले लोग होते हैं। मैं भी एक गांव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो जब भी जाता हूँ तो खाली जो कागज पर कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अलावा भी कुछ बातें मैं कर लेता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो हमारे डायरेक्टर ने ही मंच पर इतनी आलोचना कर दी कि मुझे लगा कि डायरेक्टर खुद है कि नहीं है। आज भी उनने उसी तरह कहा कि आदिवासी जो हमारी पुरातन कला है उसके बारे में उनकी टिप्पणी आपने सुनी होगी। हम लोग जब भवन में प्रवेश कर रहे थे तो धीरे से भाई साहब ने मुझसे कहा कि ये कलाकार है। जब मैंने पूछा ये नाम या राज जिसमें लिख दिया जाए जिस कलाकार की प्रतिमा बनी है, तो लोगों को जानने में सुविधा होगी। मैं ये ज़रूर कन्फेस करना चाहूँगा कि आई वॉज फॉर ऑल दीज ईयर्स ए वेरी टिपिकल ब्यूरोक्रैट, डल एंड ड्राई, ओनली टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस दैट एंड अदर। लेकिन अब इस जब बड़ी हुई उम्र में रिटायरमेंट के बाद ये काम करने का मौका मिला और हम दिल्ली के प्लान और दिल्ली के डेवलपमेंट और इसको और क्या हम इसमें खूबसूरती ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिससे आज की दुनिया में लोग वैसे ही भागे भागे फिरते हैं, 20 मिलियन पॉपुलेशन की ये स्ट्रेस्ड आउट सिटी है, उसमें कैसे थोड़ा बहुत अगर हम खूबसूरती ला सकें, लोगों का मन बहला सकें कि ये रोज़ की भागदौड़ से दूर भी एक दुनिया है और वो दुनिया खूबसूरत है। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store.
You are listening to Tarang Devotional Online Radio.